जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट पुल पर बुधवार की देर रात करीब 1 बजे रोडवेज बस की सड़क किनारे खड़ी ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक ट्रॉली को सड़क किनारे खड़ा कर उसके नीचे सो रहा था। सड़क हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 45 में से करीब 20 से 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। मामले की सूचना पाकर गढ़मुक्तेश्वर की क्षेत्र अधिकारी स्तुति सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की, साथ ही घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान गढ़मुक्तेश्वर के कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला बुधवार की देर रात करीब 1 बजे के आसपास का है, जब लखीमपुर से दिल्ली के बीच संचालित एक रोडवेज बस जैसे ही ब्रजघाट पुल के ऊपर पहुंची तो उसकी सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत हो गई। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक सड़क किनारे ट्रॉली को खड़ा कर उसके नीचे सो गया था। जैसे ही 45 यात्रियों से भरी बस मौके पर पहुंची तो ट्रैक्टर ट्रॉली से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस दौरान 20 से 25 यात्री घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनमें से 7 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। Gracias.